आज के फनकार। दोस्तों नमस्ते, हमारे आज के फनकार हैं देवानंद। साथियों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि देवानंद साहब पर केंद्रित एक और कार्यक्रम आप तक पहुंचाएंगे, तो हम अपना वादा पूरा कर रहे हैं। लीजिए पेश है देव साहब की शख्सियत, उनकी अदाकारी से जुड़े अलग अलग पहलुओं की कुछ और बातें। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही, दो दिन के लिए कोई इकरार कर ले, दो दिन के लिए कोई इकरार कर ले, झूठा ही सही, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही। देवानंद हिंदी सिने जगत की वो हस्ती रहे हैं जिन्हें पल भर के लिए नहीं जीवन भर तक अपने चाहने वालों का प्यार मिलता रहा है, और वो भी ऐसा कि जिससे कोई भी रश्क कर बैठे। और अपने चाहने वालों के साथ देवानंद ने भी अपना रिश्ता निभाया। हे मैंने कसम ली, हे तूने कसम ली, नहीं होंगे जुदा हम। सांस तेरी मधुर मधुर जैसे रजनीगंधा, प्यार तेरा मधुर मधुर चांदनी की गंगा। साथियों, 26 सितंबर 1923 को जन्मे देवानंद को फिल्मों में पहला ब्रेक मिला 1948 में फिल्म जिद्दी में, और यही वो फिल्म थी जिसमें पहली बार गाने का मौका मिला हरफन मौला किशोर कुमार को। यहीं से देवानंद और किशोर कुमार की दोस्ती हो गई और ये दोस्ती सदा बनी रही। हम है राही प्यार के, हमसे कुछ न बोलिए, हम है राही प्यार के, हमसे कुछ न बोलिए, हम है राही प्यार के, हमसे कुछ न बोलिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए, हम उसी के हो लिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। देवानंद के लिए किशोर कुमार ने कई गाने गाए और लगभग सभी सुपरहिट रहे और आज भी लोगों की जुबान पर रहते हैं, लेकिन देवानंद के लिए मोहम्मद रफी, तलत महमूद और हेमंत कुमार ने भी गाने गाए और वो भी हिट रहे। रात में चांदनी फिर कहां, सुन जा दिल की दास्तां। ये फिल्म जाल का गाना था जिसे गुरुदत्त ने डायरेक्ट किया। फिल्म इंडस्ट्री के एक और वो शख्स जिससे देवानंद ने दोस्ती की और दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि जब कभी भी मौका मिलेगा एक दूसरे को काम देंगे। और 1950 में देवानंद ने गुरुदत्त को अपने बैनर तले बनने वाली फिल्म बाजी के निर्देशन का जिम्मा सौंप दिया। लेकिन यहाँ हम आपको गाना सुनवाएंगे फिल्म सीआईडी का, जिसे गुरुदत्त ने प्रोड्यूस किया था,
देवानंद हीरो थे और डायरेक्ट किया था राज खोसला ने। बुल्ले से पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। बुल्ले के पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। बुल्ले के पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। बुल्ले के पहला पहला प्यार। अब हम बात करते हैं उन फिल्मों की जिन्हें देवानंद के भाइयों ने डायरेक्ट किया। बड़े भाई चेतन आनंद की डायरेक्ट की फिल्म अफसर, हीरो देवानंद और हीरोइन सुरैया। मैं न दीवानी एक नहीं मानी, करे मन मानी मानना। मैं न दीवानी हुए ये पराए, मन हाराए मन का मरम जाने ना माने ना। फंटूश इसे भी चेतन आनंद ने डायरेक्ट किया, हीरो देवानंद। वो देखें तो उनकी इनायत, ना देखें तो रोना क्या। वो देखें तो उनकी इनायत, वो देखें तो उनकी इनायत, ना देखे तो रोना क्या। जो दिल गैर का हो उसका होना क्या, और न होना क्या। वो देखे तो उनकी इनायत। देवानंद के छोटे भाई विजय आनंद के निर्देशन में बनी फिल्म गाइड देवानंद की उत्कृष्ट फिल्मों में से एक मानी जाती है। तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, वो जहां भी ले जाए राहे हम संग हैं। ओ तेरे मेरे सपने अब एक रंग है,
अब एक रंग है वो जहां भी ले जाए राहे हम संग हैं। लाख मना ले दुनिया साथ ना ये छूटेगा आके मेरे हाथों में हाथ ना ये छूटेगा। लाख मना ले दुनिया साथ ना ये छूटेगा आके मेरे हाथों में हाथ ना ये छूटेगा। तो मेरे जीवन साथी तेरे मेरे सपने अब एक रंग है तो जहां भी ले जाए राहे हम संग है। हो तेरे मेरे सपने अब एक रंग है। और जब उत्कृष्ट फिल्मों की बात चलती है तो ज्वेल थीप की अपनी एक जगह है। इसमें भी देवानंद हीरो थे और डायरेक्टर विजय आनंद। आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहां बसा के चले कदम के निशान बना के चले। चले तो फूल जैसे आंचल के रंग से सज गई राहें सज गई राहें। पास आओ मैं पहना दूं चाहत का हार ये खुली खुली बाहें खुली खुली बाहें। आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहां बसा के चले कदम के निशान बना के चले। इसी कड़ी में जॉनी मेरा नाम को कभी नहीं भुलाया जा सकता अपनी कसी हुई पटकथा चुस्त उत्कृष्ट निर्देशन के लिए इस फिल्म को याद किया जाएगा जो कि विजय आनंद का था और मनमोहक रूप में नजर आए देव आनंद।
ये कहना वादा तो निभाया, वादा तो निभाया। इंतजार के एक एक पल का बदला लूंगा, ऐसा भी क्या ये न समझना आज भी ऐसे जाने दूंगा, ऐसा भी क्या कितना सताया पहले उसका हिसाब दो, अखियों में अखियां डाल के जवाब दो, बचते बचाते हो बचते बचाते छुपते छुपाते तुम क्या जानो कैसे आई वादा तो निभा। वही पुराना तेरा बहाना देर से आना और ये कहना वादा तो निभाया। उड़ जाएगी मेरी कलाई हाथ न पकड़ो, हम पकड़ेंगे छोड़ो ना, नहीं छोड़ो ना, ऐसे तो नाजुक नहीं हाथ सरकार के, मौके भी कभी कभी मिलते हैं प्यार के, प्यार भी तो ओ प्यार भी तो नया नया है मेरी वफा की कदर करो के गालों के अंगारे किसके लिए हैं, कहो कहो अजी तुम्हारे होठों पे ये शहद के धारे किसके लिए हैं, बोलो बोलो अजी तुम्हारे। शर्म कहाँ की आओ गले लग जाओ जी, कब से खड़ा हूँ प्यासा प्यास बुझाओ जी, हट जाओ जी बुझाओ जी, बदनामी से हो बदनामी से मुश्किल से मेरे राजा। समझ गया मैं वही पुराना तेरा बहाना देर से आना और ये कहना वादा तो निभाया, वादा तो निभाया। साथियों, आज के इस प्रोग्राम में हम देव आनंद की और उनके फिल्मी पहलुओं से जुड़ी कुछ चुनिंदा बातें कर रहे हैं और आपको गाने सुनवा रहे हैं। अब बात करते हैं उनके अपने निर्देशन में बनी फिल्मों की। शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब, होगा यूं नशा जो तैयार, हाँ होगा यूं नशा जो तैयार, वो प्यार है शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब, होगा यूं नशा जो तैयार, वो प्यार है शोक
गलियों में घोला जाए फूलों का शबाब। फिल्म प्रेम पुजारी का गाना था जो देव आनंद साहब ने खुद डायरेक्ट किए। यूं तो उन्होंने कई फिल्में डायरेक्ट की, लेकिन मैं यहाँ आपको सिर्फ दो तीन फिल्मों के गाने ही सुनवाऊंगा और उनका जिक्र करूंगा। हो झूठा है ये गुस्सा तेरा सच्चा नहीं, सच्चे प्रेमी को तड़पाना अच्छा नहीं, वापस न आऊंगा मैं जो चला जाऊंगा, वापस न आऊंगा मैं जो चला जाऊंगा, ये तेरी गलियां छोड़ के नशे के खिलाफ देवानंद की सशक्त फिल्म थी हरे रामा हरे कृष्णा। हीरोइन थी मुमताज, लेकिन इस फिल्म में एक अहम रोल में मौका दिया देवानंद ने जीनत अमान को। हालांकि जीनत अमान को देवानंद ने बाद में कुछ और फिल्मों में बतौर हीरोइन मौका दिया, लेकिन उनका जिक्र आज हम यहां नहीं कर रहे हैं। हम तो बात करते हैं देश परदेश की। जैसा देश वैसा भेस, फिर क्या डरना, अरे जैसा देश वैसा भेस, फिर क्या डरना, अरे छोड़ो रानी छोड़ो यूं ही आहे भरना, अरे काहे की शर्म है कुड़िए जल्दी करना। इस फिल्म में भी देवानंद ने एक अहम समस्या को उठाया, विदेशों में गैर कानूनी रूप से जाने वाले लोगों की समस्या को। इस फिल्म में उनके साथ हीरोइन थी
टीना मुनी। लोगों का दिल अगर हाँ जीतना तुमको है तो बस मीठा मीठा बोलो। लोगों का दिल अगर हाँ जीतना तुमको है तो बस मीठा मीठा बोलो। जैसे कहीं शीशे पे आरी कानों को लगे है आवाज तुम्हारी। चले है जैसे कहीं शीशे पे आरी कानों को लगे है आवाज तुम्हारी। कहना है कुछ अगर तो बोलो मैं मिश्री घोलो बस मीठा मीठा बोलो। ये गाना अभी आप सुन रहे थे दोस्तों मनपसंद फिल्म का था, जिसमें देवानंद लोगों का दिल जीतने का गुर बता रहे थे जो कि उन्हें बखूबी आता था। अपने चाहने वालों के दिलों को लूटकर ये सदाबहार अभिनेता 3 दिसंबर 2011 को इस दुनिया से चला गया। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। देवानंद का फिल्मों से प्यार उनकी आखिरी सांस तक कम नहीं हुआ। जब तक वो जिए फिल्मों के लिए जिए और भरपूर जिए। चाहे कोई खुश हो चाहे गालियां हजार दे मत राम बन के जिंदगी के दिन गुजार दे। चाहे कोई खुश हो चाहे गालियां हजार दे अरे मत राम बन के जिंदगी के दिन गुजार दे। चाहे कोई खुश हो चाहे गालियां हजार दे अरे मत राम बन के जिंदगी के दिन गुजार दे। फिल्मकार देवानंद पर केंद्रित आज के फनकार कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर रमेश गोखले, स्वर और आलेख अमरकांत का। आज के फनकार।